सो गाइज़, मैं इस समय हूँ जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर और हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं फील्सबर्ग, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है आसपास। और वहाँ का रास्ता यहाँ से 45 मिनट्स का है। तो ट्रेन जर्नी की अच्छी सीनिक ब्यूटी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है, कितना नीट एंड क्लीन है आप देखिए। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 उस साइड है। तो अभी हम अंडरग्राउंड होते हुए उस तरफ जाएंगे और ट्रेन से 45 मिनट्स की ब्यूटीफुल जर्नी आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा, देखते रहिए नेचुरल ब्यूटी ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। सो गाइस, कुछ लोग भी हम लोगों के साथ हैं। ये निशांत है जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन हमारे साथ है मतलब इस यूट्यूब वीडियो में। और पीछे देखिए, ये सोनिया है, मेरी वाइफ है, पीछे मरियम है और वो है, क्या नाम है, फिलिप्स। कुछ बोलना चाहोगे सोनिया? सब काट देंगे, मुझे पता है कि एडिटिंग बहुत शर्माते हैं ये लोग। अभी आपकी जितना एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैं व्लॉगिंग कर रही हूं, इसलिए थोड़ी शर्म आती है। आइए इधर भी, हेलो कर दो आप। हेलो, हेलो मरियम, यूट्यूब वीडियो में आप। ओके, आर यू इन वीडियो इन यूट्यूब ब्लॉग? ओह ओके, यू कैन से समथिंग इफ यू वांट टू से। Okay, yeah, hi. How is the Black Forest and all? It's very beautiful, but it's just raining a lot. Today. So, bus train aane wali hai, aapko achhi train ki journey hum log dikhane wale hain is pure vlog mein. So guys, hum logo ke saath 3 log aur hain, wo ab dekh rahe hain aap wahan pe, wo Govind hain aur unki wife hain aur wo Ved hain. In teenon ko abhi introduce nahi karaya maine, to इन तीनों को भी दिखा दिया मैंने इस ब्लॉग में आप लोगों के लिए। नहीं जी, है फोटो खिंचाली हो गया उसका डांस। हां, ñu mo ma ci train motam la mo non ci train bi la nek ma ngay ñew. Nächste Station Freiburg Viere. तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं फील्सबर्ग और देखिए फील्सबर्ग स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है। अभी यहाँ की सिटी भी आपको दिखाते हैं, बने रहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं किसी थाई रेस्टोरेंट में खाना खाने, उसके बाद घूमने वाले हैं फील्सबर्ग में। यहाँ का ट्रैम स्टेशन है और अभी आपने देखा, अभी नीचे से हमारा रेलवे आया, अब ये ट्रैम आ चुका है। ये देखिए सामने से ट्रैम आ रही है, वाह। जैसा कि मैं जर्मनी में आने के बाद नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा नीदरलैंड्स में थोड़ा हर चीज़ नई नई सी लगती है, मैनेज्ड। यहाँ पर भी हर चीज़ मैनेज्ड है, प्रॉपर वे में है, बट
थोड़ा ओल्ड सा लगता है, एक न्यू डेवलपमेंट यहाँ, बहुत पहले इतना डेवलपमेंट हो चुका है तो नए डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ था जर्मनी सिर्फ बर्लिन को छोड़ के, तो इसलिए यहाँ हर चीज़ आपको दिखेगी थोड़ी ओल्ड सी, यहाँ की वॉल एंड ऑल उस पर पुरानी टाइप की ना चीज़ें, बट बहुत मैनेज्ड है। नीचे ट्रेन स्टेशन था, उसके ऊपर आते ही ट्राम है, पीछे चर्च है, देखिए आप कितना अच्छा चर्च है यहाँ पे। और यहाँ पर भी लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, बट ट्रैक नहीं है साइकिल के अच्छे, मतलब उस तरीके से जैसे मैनेज्ड है नीदरलैंड्स में, बट यहाँ पे भी साइकिलिंग ट्रैक्स हैं। चलिए फ़िलहाल तो अभी हम लंच कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, लंच करने के बाद फिर आपसे और मिलता हूँ मैं, तक आप देखते रहिए जर्मनी की सिटी फील्ड्सबर्ग। मुझे इन लोगों का ये आर्किटेक्ट है ना बहुत अच्छा लगता है यार, क्योंकि इतनी खूबसूरत लगती हैं बिल्डिंग्स, इतनी 300-400 साल पुराने बिल्डिंग्स और उसी को मेंटेन किया हुआ है। इन लोगों का विज़न कितना क्लियर था आज से 300-400 साल पहले, सेम टू सेम वही सब चीज़ें हैं जो तब थी, देखिए आप, और बिल्कुल क्लियर। आई मीन पॉल्यूशन नाम की चीज़ तो है ही नहीं यार यहाँ, विच इज़ समथिंग आई रियली लाइक। बस नज़ारा है, देखते रहो, इतनी खूबसूरत जगह है ये, मतलब जर्मनी में भी मैंने सोचा नहीं था कि पार्ट होगा जो इतना खूबसूरत होगा। सो इस फिलहाल हम लोग वहीं पर ही हैं। So maybe we can check that out so that we don't have to come back here again. तो फाइनली हर जगह जो सेंट्रल में एक कैथेड्रल होता है वहाँ पे हम आ चुके हैं, और बहुत ही अच्छा कैथेड्रल है यहाँ का देखिए पीछे, और वेदर भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो फिलहाल के लिए मैं रखता हूँ क्योंकि मेरी बैटरी ख़त्म हो चुकी है फ़ोन की, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, फील्डबर्ग सिटी अच्छी लगी होगी, हम लोगों ने काफ़ी मज़े किए हैं। DM है यहाँ पे, वहाँ पे हमने काफ़ी शॉपिंग की जो कि एक कॉस्मेटिक का स्टोर है। चलिए फिर बने रहिए ऐसे ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।